हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमर्स की बुक्स के ऊपर। मतलब कॉमर्स प्लस वन कॉमर्स में आपने किस प्रकार से किन बुक्स से गाइडेंस लेनी है। सबसे पहले एक बात तो क्लियर कर लें कि बुक्स तो सभी अच्छी होती हैं और सभी ऑथर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मार्केट में लीडिंग बुक्स हैं जिनसे हम अपने आप को गाइड करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के ऊपर। अकाउंटेंसी के फील्ड में अगर हम आते हैं प्लस वन में, तो सबसे पहली बुक होने वाली है टीएस गरेवाल जी की बुक। टीएस गरेवाल जी की बुक, जिसे सुल्तानचंद पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में बनी हुई बुक है। फॉर्मेट में है सीबीएसई की सिलेबस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, और सबसे अच्छी बात कि पूरी बुक में ढूंढने पर भी आपको गलती नहीं मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई बुक है। दूसरी बुक पर अगर बात करें, डीके गोयल जी की बुक है, जिसे आरएफ पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है, यह भी अच्छी बुक है, सही फॉर्मेट में बनी हुई बुक है, सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो करती बुक है। धनपत राय पब्लिकेशन जी की बुक है, जिन्हें संदीप गर्ग जी ने लिखा है, ये भी अच्छी बुक है, और फिर लोकल ब्रांड आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सबसे अच्छे तरीके से अपने पर्सनल व्यू से किसी को रिकमेंड करते हैं, या सबसे अच्छे तरीके से कोई बुक लगती है जिससे हम प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, तो वो है टीएस गरेवाल जो की सुल्तानचंद पब्लिकेशन जी की बुक है। बुक सभी अच्छी है, लेकिन सबसे ज्यादा रिकमेंडेड मेरे अकॉर्डिंग ये बुक आपको प्लस वन में बहुत हेल्प करेगी। दूसरी बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पहले बात करते हैं, हमारे पास दो बुक्स हैं। पहली बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी बुक स्टैट्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले देख लेते हैं कि कितने ऑथर्स सबसे ज्यादा लीडिंग ब्रांड्स को लेकर आगे चल रहे हैं, या सबसे ज्यादा सेलिंग कौन सी बुक्स हैं। सबसे पहले संदीप गर्ग जी की बुक है, जो धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है, बहुत सही तरीके से फॉर्मेट में बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उन्होंने डिजाइन किया है। दूसरी बुक राधा बहुगुणा जी की बुक है, जो धनपत राय पब्लिकेशन की ही बुक है, और बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई बुक है, सही तरीके से ऑल सीबीएसई गाइडलाइंस और पैटर्न को फॉलो करती बुक है। फिर वीके पब्लिकेशन की बुक है, टीआर जैन और वीके ओरिजी की बुक, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई बुक है। उसके बाद अरिहंत की बुक भी मिलती है, लेकिन फिर हम अपने अकॉर्डिंग पर्सनल व्यू से बताने की कोशिश करते हैं, या अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी ऑथर का या किसी भी पब्लिकेशन का हम रिगार्ड करते हैं, किसी भी प्रकार से उनको नेगेटिव नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे पर्सनल व्यू से आप संदीप गर्ग को फॉलो कीजिए, जो कि धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड और सभी सीबीएसई के पैटर्न्स पर खड़े उतरती है। इकोनॉमिक्स के ही दूसरे पार्ट की बात करें तो वो है स्टैट्स का पार्ट। तो स्टैट्स के पार्ट के लिए भी हमारे पास बुक्स हैं। पहली बुक फिर से वही संदीप गर्ग जी की बुक है, दूसरी बुक राधा बहुगुणा जी की बुक है। दोनों बुक्स को धनपत राय पब्लिकेशन ने क्या किया है, पब्लिश किया है, और उसके बाद टीआर जैन, वीके ओरिजी की बुक है, अरिहंत की बुक है, और बहुत सारी बुक्स हैं स्टैट्स में, लेकिन फिर से सबसे अच्छी और रिकमेंडेड बुक अगर मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है संदीप गर्ग जी की बुक। तो आप प्लस वन इकोनॉमिक्स में पूरा सेट खरीद सकते हैं संदीप गर्ग जी का, धनपत राय पब्लिकेशन के, जिन्होंने पब्लिश किया है जी। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस में बुक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बुक आती है गीता पब्लिकेशन की बुक, सुभाष देव जी की वो बुक है, बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई बुक है, बहुत सही सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की है उन्होंने, सही तरीके से सभी गाइडलाइंस को प्रॉपर व्यू देते हुए इस बुक को बनाया है। उसके बाद अगर दूसरी बुक पर बात करें, पूनम गांधी जी की बुक है, जो वीके पब्लिकेशन ने प्रिंट की है, और पूनम गांधी जी की बुक बहुत ही सही तरीके से वेल डिजाइंड, वेल सिस्टमेटिक फॉर्म में बनी हुई बुक है, जिसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपको समझाया जाता है। फिर वीके पब्लिकेशन की ओर से ही आरके सिंगला जी की बुक है, वो भी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद सीबी गुप्ता जी की बुक है हमारे पास, मैग्रा पब्लिकेशन, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में और बहुत ही सही तरीके से हर चीज को समझाने की कोशिश की है उन्होंने, अच्छा फॉर्मेट, अच्छा स्ट्रक्चर,
बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो की है सीबी गुप्ता जी ने, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद हमारे पास धनपत राय पब्लिकेशन जो संदीप गर्ग जी हैं, उन्होंने बिजनेस में भी बुक लिखी है और वो भी अच्छी बुक है। और फाइनली अगर हम बात करें इन सभी बुक्स में से, तो सबसे रिकमेंडेड बुक होगी पूनम गांधी जी की। पूनम गांधी जी की बुक होगी जिसे वीके पब्लिकेशन ने प्रिंट किया है और पब्लिश किया है। आप सीबी गुप्ता जी और पूनम गांधी में चॉइस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत ही ज्यादा वेल डिजाइंड वेल स्ट्रक्चर्ड बुक हैं। और एक बात और आती है, बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी को प्रेफर करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी को बिजनेस में, बिल्कुल आपको एक एक्स्ट्रा तौर पर एनसीईआरटी को जोड़ के रखना है इन सभी बुक्स के साथ। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ भी देते हैं, छोड़ने का मतलब ये नहीं आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मतलब आप अगर बुक नहीं भी खरीदते तो रिकमेंडेड बुक्स में से आप पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में आप प्रेफरेबली हमेशा एनसीईआरटी को भी साथ रखें, तो मतलब आपके पास सीबी गुप्ता जी की बुक नहीं तो पूनम गांधी जी की बुक, दोनों बुक्स खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा, और एनसीईआरटी की गाइडेंस जरूर रखें, ठीक है जी। और अगर बात करें हम मैथ्स की, मैथ्स में हमारे पास अगर बहुत सारे बच्चे कॉमर्स विद मैथ रखते हैं तो सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को फॉलो करें और उसके साथ प्रॉपर गाइडेंस के लिए आरडी शर्मा जी की बुक को फॉलो करें। धनपत राय पब्लिकेशन ने उस बुक को प्रिंट किया है, तरीके से बनी हुई बुक्स हैं, इसीलिए मैंने सब में एक एक बुक को अच्छे से रिकमेंड किया है। दोबारा बोल देता हूं, प्लस वन अकाउंटेंसी के लिए आप टीएस गरेवाल जी की बुक ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स माइक्रो और स्टैट्स के लिए आप संदीप गर्ग जी को फॉलो कर सकते हैं, और बिजनेस स्टडीज के लिए आप पूनम गांधी जी को फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों बुक्स हैं। और फाइनली मैथ के लिए तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई बुक है। एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी ऑथर को निग्लेक्ट नहीं किया गया। जो मुझे अपनी पर्सनल चॉइस से बुक्स अच्छी लगी हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और सभी बुक्स सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं और लीडिंग ब्रांड है, ठीक है जी। कोई भी बुक्स आप खरीद सकते हैं। थैंक यू।